रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन वेजिटेबल्स कॉर्न सूप। चले आए तो देख बनाते हैं इसे। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डले हैं। जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगी इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी। चले आए तो स्टार्ट करते हैं। एक पतीला लेकर हमने इसे वॉश करके चूल्हे पर रखा है। इसके अंदर हमने 7 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन के मैंने छोटे क्यूब्स नहीं बनाए, ऐसे ही बड़े बड़े क्यूब्स मैं डाल दूंगी क्योंकि 10 मिनट बाद जब ये चिकन बॉईल हो जाएगी तो इसके मैं रेशे करूंगी। 1 पाव हमारे पास चिकन है, ये हमने पानी में डाल दिया। वन टीस्पून नमक डालूंगी मैं इसमें। वन टीस्पून काली मिर्च पाउडर। वन टेबल स्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अगर आपके पास क्यूब्स है तो आप लोग क्यूब्स डाल दें 2, और अगर क्यूब्स नहीं है चिकन पाउडर है तो 2 टेबल स्पून आप लोग इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सूप का। अब हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। ये सारी चीज़ें डाल के चिकन के अंदर हम इसको अच्छे से हिला के आधा ढक्कन इसके ऊपर ढापेंगे, फुल ढक्कन नहीं ढापेंगे वरना ये उबल के बाहर आ जाएगा, और स्लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, गोश अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसको मिला देंगे और चिकन को हम निकाल देंगे। सारी चिकन को निकाल के हम इसका रेशा कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, जो चिकन हमने निकाली थी उसके हमने रेशे कर लिए हैं। अब हम इसे वापस पानी में ऐड कर देंगे। चिकन हमने निकाल ली थी मगर पानी हमारा स्लो आंच के ऊपर पक रहा था। चिकन डाल के हमने 2 भुट्टे के दाने लेके इसे बॉईल करके रख लिया था, ये हम ऐड कर देंगे। ये हमने सब्जियां ली थी, आधी से भी कम हमारे पास बंद गोभी है, इसे हमने कट करके रखा। थोड़ी सी हम बचा लेंगे, बाकी की सारी डाल देंगे। गाजर थी हमारे पास 1 बड़ी साइज़ की, इसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब हरी प्याज डाली है हमने इसमें। ये तमाम चीज़ों को डाल के 10 मिनट के लिए हम इसे भी पका लेंगे। चले 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। कॉर्न और वेजिटेबल्स डाल के हमने इसे 10 मिनट तक पका लिया। टेबल स्पून सिरका डालेंगे। टू टेबल स्पून चिल्ली सॉस डालेंगे।
टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। इसको मिला लेंगे। अगर ये काम और ज़्यादा हो जाए, चिल्ली सॉस, सिरका, सोया सॉस, तो हम ऊपर से प्याले में भी डाल सकते हैं। टू टीस्पून हमने केचप डाला है। अच्छे से इन सबको हिला के अब हम सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को हमने थोड़े से पानी के अंदर हल करके रखा है। अब हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। आँच हमने स्लो रखी हुई है, ये हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर। अभी हम हिला के देखेंगे, अगर गाढ़ा कम हुआ तो हम और डाल देंगे इसके अंदर। टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हमने और घोला है क्योंकि अभी हमारा सूप पतला है, तो हम डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। समझे, 5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर घोल के डाला है। और सूप में कॉर्नफ्लोर डालते हुए आप लोग ये बात याद रखें कि इसके अंदर स्टील का चमचा यूज़ ना करें, या तो प्लास्टिक का डालें या फिर आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। स्टील के चम्मच से सूप पतला होता जाएगा। देखे वीवर्स, एक अंडे को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। बास लोग सूप के अंदर सिर्फ सफ़ेदी डालते हैं, जर्दी नहीं डालते, मगर मैंने पूरा एक अंडा फेंट लिया है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता डालते जाऊंगी और चम्मच चलाते जाऊंगी। देखे वीवर्स, हमारा सूप रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो वीवर्स देखें, हमारा चिकन एंड वेजिटेबल कॉर्न सूप रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सूप का। इसे आप लोग पापड़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अंडे ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डालें, मैंने तो डाला है अंडे। सर्दियाँ आजकल कराची में बहुत है, और सर्दियों का सीज़न हो सूप ना बने ये तो हो नहीं सकता। चले, आप लोग इसे घरों में अपने अपने ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसा बनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानल्लाह।